हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोडम्बर शॉर्ट्स। आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग, मतलब मेन कैरेक्टर लिविंग थिंग्स का क्या है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। फर्स्ट चॉइस है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो। विट्रो कहने का मतलब है आउटसाइड द बॉडी, लेकिन लिविंग थिंग्स में इनसाइड द बॉडी होता, तो ये गलत है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, नहीं, लिविंग थिंग्स में दोनों तरफ से होता है, इनसाइड आउटसाइड। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपन इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, कहने का मतलब है जो भी घटना या इवेंट एनवायरनमेंट में होता है एंड देयर मेमोरी, ये लिविंग थिंग्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये सही है। इंक्रीज इन मास बाय एकुमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। इसमें मास एकुमुलेशन होता है सरफेस में भी और इंटरनली भी, तो ये नॉन लिविंग थिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2007 में पूछा गया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, मतलब एबिलिटी के तौर पर नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करना है लिविंग थिंग से, तो इंट्रैक्शन विथ इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ग्रोथ एंड मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, छूने से मतलब रिस्पॉन्स ना करे, तो ये नॉन लिविंग का होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, एटॉमिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल, तो इसका आंसर हो जाएगा सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल। इसमें है कि मतलब जितने भी ऑर्गेनल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड रहते हैं, है ना, और सेल हाईली ऑर्गेनाइज रहता है मोलिकुलर असेंबली में, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से सेलेक्ट द करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ठीक है, जो कैरोलस रीनियस ने फर्स्ट टाइम जो डिस्क्राइब किया था, ये क्वेश्चन 2019 में आया था फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, मैंजीफेरा हो गया जीनस, इंडिका स्पेसिफिक नेम, लिन का मतलब हो गया कैरोलस रीनियस, याद रखिएगा लीन है सिर्फ, कार लीन नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अंडरलाइन कर दे, अगेंस्ट, नॉट, ये सब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, तो सो देट आपको समझ में आए कि क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट चॉइस है हैंड रिटन स्पेसिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, तो ये सही है। ठीक है, एवरी स्पेसिस वुड हैव जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी सही है। ठीक है, स्पेसिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटलाइज्ड, ये भी सही है। ठीक है, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, ये गलत है फ्रेंड, क्योंकि जेनरिक नेम स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और स्पेसिफिक नेम स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रेरी टू द रूल, मतलब रूल के खिलाफ कौन सा है। ठीक है, तो आइए पढ़ के हम देखते हैं, द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटलाइज, तो ये सही है। फ्रेंड रिटन बाय हैंड एंड आर टू बी अंडरलाइन, तो ये भी सही है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, एनी लैंग्वेज नहीं हो सकता। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये गलत है। आई सी बी एन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोसिस्टमैटिक एम क्या है, बायोसिस्टमैटिक का मेन एम क्या है। ठीक है, तो
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल करेक्ट, तो ये गलत है। डिलिमिटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप है बट और भी कुछ है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये सही है। एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी टू द टोटली ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज, तो ये सही है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस साइटोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो 1999 में पूछा गया था, द बुक जेंड्रा प्लेंटरम, ठीक है। तो जेंड्रा प्लेंटरम जो बुक लिखा गया था वो बाय बेंथमैन हुकर, इसको एकदम सीधा रट लीजिए, ठीक है फ्रेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोनॉमिक कटिंग, जिसे मैचिंग है, ठीक है, तो इसको देखते हैं। आइए मैचिंग, मैचिंग में क्या देखना है, तो फैमिली, फैमिली ए का हो जाएगा थ्री, मुसीडे, ठीक है, फैमिली हो गया मुसीडे। ऑर्डर का हो जाएगा डिप्टेरा, ठीक है, फैमिली मुसीडे, ऑर्डर का डिप्टेरा, ठीक है। क्लास हो जाएगा इंसेक्टा क्लास हो जाएगा, फाइलम ऑर्थोपोडा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2013 में पूछा गया था, द कॉमन कैरेक्टर बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमन, मतलब कौन से लेवल पे सेम कॉमन कैरेक्टर होगा, ठीक है, तो फैमिली होगा, ये तो पता है, ठीक है, क्योंकि दोनों सोलेनेसी फैमिली से है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म करेक्टली नेम दिया गया, तो कॉमन नेम फर्स्ट चॉइस है मुस्का डोमेस्टिका, कॉमन हाउस लिजर्ड, नहीं ये हाउस फ्लाई का, मुस्का डोमेस्टिका बायोलॉजिकल नेम है, हाउस फ्लाई का। प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम, ये प्रोटोजोअन पैथोजोअन कॉजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, तो ये सही है। फ्लीस टाइगर, द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, तो ये गलत है। इकोलाई, फुल नेम इंटामोएबा कोलाई, ए कॉमनली अकरिंग बिटवीन बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसीज आर कंसिडर्ड एज, तो ये स्पेसीज का तो मतलब सीधा समझ जाएंगे हम लोग, ये बेसिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इन जनरल करेक्टर एज कंपेयर टू जीनस, मतलब सबसे कम करेक्टर किसमें आएगा, इस मतलब कहने का मतलब है कि सबसे लेस, सबसे नीचे कौन सा आएगा, मतलब स्टार्टिंग कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्पेसीज, क्योंकि स्पेसीज से स्टार्ट ही होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो स्पेसीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्सोनॉमी, ठीक है। फिर सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सीक्वेंस याद है, आपको बताए थे स्पेशल गर्लफ्रेंड ऑफ क्लास पी के, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, इसमें ट्राइब भी ऐड किया हुआ है, तो जीनस के बाद ट्राइब होता है, तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका ये आंसर हो जाएगा सी नॉट बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय, द टर्म फाइलम किसने दिया था, तो ये हकेल ने दिया था, ठीक है, इसको सीधा रट लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ प्लांट एंड और एनिमल विथ सिमिलर ट्रैट्स ऑफ एनी रैंक, तो सिमिलर ट्रैक एनी रैंक क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में कोई भी, तो सीधा टैक्सोन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोन इज ए, टैक्सोन क्या है, टैक्सोन तो ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, नहीं, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, नहीं, ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, ठीक है। टैक्सोन क्या है, अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखें, एनी रैंकिंग इज टैक्सोन, तो टैक्सोन इज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ
एनी रैंकिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसको रख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट क्या है? तो बेसिक तो हम लोग अभी पढ़े इससे पहले क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेसीज। ठीक है, और जो ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है उसको बार बार देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज पुट फॉरवर्ड बाय, मतलब स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज आगे कौन बढ़ाया था, पुट फॉरवर्ड कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियस। ठीक है, जो बायनोमियल थ्योरी दिया था, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड लेवल ऑफ हार्मेरियम स्टडी डज नॉट कैरी, तो डज नॉट कैरी को फर्स्ट पहले हम लोग अंडरलाइन करेंगे ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, पता चलेगा डज नॉट बोला है, आप कैरी इन्फॉर्मेशन में टिक लगा दें तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन है डेट ऑफ कलेक्शन, ये तो रहता ही है, नेम ऑफ कलेक्टर भी रहता है, लोकल नेम भी रहता है, हाइट ऑफ प्लांट नहीं रहता, हाइट ऑफ प्लांट नहीं रहता, इसका आंसर हो जाएगा टी। ठीक है, ये 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, फिर इसमें बोला गया नॉट, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ एनिमल, तो यही तो नहीं है, फोटोग्राफ थोड़ी रहता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं की इज ए टेक्सोनॉमिक एड ऑफ आइडेंटिफिकेशन स्पेसीज, सही है, हार्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ट एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, ये सही है, बॉटनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन दे प्रोवाइड ब्यूटिफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, नहीं, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट हेयर, नहीं, दे अलाउ एक्स सीतु कंजर्वेशन ऑफ जम प्लांट, ये सही है, क्योंकि एक्स सीतु का मतलब यहाँ पे हो गया ऑफसाइड, मतलब जहाँ पे है उसको अलग जगह में सेफ जगह में रखना। ठीक है, तो बहुत तरह का प्लांट एनिमल का स्पेसिमेन एज ए जर्म प्लांट के तौर पर एक्स सीतु कंजर्वेशन में रखा जाता है, तो ये सही है। ठीक है, दे प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोनॉमिकल एड से मैचिंग है। ठीक है, हार्बेरियम, हार्बेरियम क्या है, हार्बेरियम इज ए प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन सीट आर कैप्ड। ठीक है, तो म्यूजियम सॉरी की क्या है, की इज ए बुकलेट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेट फीच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा। ठीक है, तो म्यूजियम क्या है, म्यूजियम इज ए प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो कैटलॉग क्या है, कैटलॉग ए लिस्ट ऑफ इनॉर्मेट मेथोडिकली ऑल द स्पेसिस फाउंड इन एन एरिया विद प्री डिस्कशन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड, तो इसका डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।